नमस्ते बच्चों, आज के विज्ञान की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 हमारे परिसर के पदार्थ, हमारे उपयोगी पदार्थ, इस पाठ का अध्ययन किया है हमने पिछले क्लास में। आज इसका कुछ भाग जो शेष रह गया था उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे उपयोगी पदार्थ में हमने पहले जो मानव निर्मित पदार्थ और प्राकृतिक पदार्थ, इन पदार्थों का हमने अध्ययन किया। प्राकृतिक पदार्थ क्या है? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से निर्मित पदार्थ को हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। मानव निर्मित पदार्थ, मानव द्वारा तैयार किए गए पदार्थों को हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। हम मानव निर्मित पदार्थों का अध्ययन कर रहे थे, उसमें एक हमारा एक भाग कागज, कागज की जानकारी, यह भाग हमारा अध्ययन करना है आज हमको। कागज क्या है, कागज कैसे बनता है, कागज के कारखाने कहाँ हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। उसके बाद प्राकृतिक धागे क्या है, प्राकृतिक धागों के निर्माण कैसे किया जाता है, अब कृत्रिम धागे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं कागज। कागज क्या है? बच्चों, आप सभी कागज के बारे में जानते ही हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कापियां देखते हैं, ये सब किससे बनता है? कागज से बनता है कागज। लेकिन कागज किससे बनता है ये जानना बहुत जरूरी है। कागज क्या है, आइए देखते हैं। घास फूस, लकड़ी, इसके अलावा चिंदी, रद्दी कागज, ये जो रद्दी कागज होता है एक बार उपयोग में आने के बाद हम उसको बेच देते हैं, भंगार वाले को दे देते हैं। तो क्या वो क्या करते हैं इस रद्दी कागज का? इस रद्दी कागज को पुनः कारखानों में भेजता है और वहां पर पुनः प्रक्रिया की जाती है, उस रद्दी कागज से नए कागजों का निर्माण होता है। ये तो हो गया निरुपयोगी पदार्थ से उपयोगी पदार्थ का तैयार करना। लेकिन कागज वास्तव में कैसे तैयार होता है उसके बारे में हम आकृति के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले कागज किससे किससे बनता है देख लीजिए। घास फूस, लकड़ी, चिंदी, रद्दी कागज जैसे पदार्थों के सेल्युलोज धागों को एक दूसरे में गूंथने से तैयार होने वाले जाल से जो पदार्थ बनता है उसे कागज कहते हैं। तो बच्चों, इन सभी पदार्थों को, सेल्युलोज धागों को एक दूसरे में गूंथने से जो पदार्थ बनता है उसको कागज कहते हैं। ये धागे सेल्युलोज युक्त धागों के नाम से जाने जाते हैं। कागज क्या है ये आपने जाना। कारखानों में कागज कैसे तैयार किया जाता है, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। आइए बच्चों, कागज बनाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वृक्ष। अब कौन सा वृक्ष? पाइन या चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्षों का उपयोग किया जाता है कागज तैयार करने के लिए। पाइन जैसे वृक्षों का उपयोग किया जाता है। इन वृक्षों की लकड़ियों के कुंदे, आप देख रहे हैं कुंदे दिखाए गए हमने, कुंदे को इनमें से छालों को निकालना है, कुंदों की छाल को अलग करना है, कुंदों की छाल को निकालना। जो लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़े होते हैं उनको हम कुंदे कहते हैं और कुंदों की छाल को निकाला जाता है, उनको पतले पतले टुकड़े करते हैं। अब इस लकड़ी के क्या करते हैं, पतले पतले टुकड़े किया जाता है। इन टुकड़ों और विशिष्ट रसायनों के मिश्रण को
लंबे समय तक भिगा कर रखा जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे काटा जा रहा है टुकड़ों को, मशीन से बारीक बारीक किया जाता है, इसमें डाला गया है और इसके अंदर केमिकल्स रसायन को काफी दिनों तक भिगो कर रखा जाता है और इससे उसका लुगदी आप जानते हैं कागज को पानी में भिगा दो तो लुगदी बन जाती है, तो वैसे यहाँ पर उसकी लुगदी बन जाती है। अब लुगदी बनने के बाद रसायनों की क्रिया हो जाने पर लकड़ी की लुगदी के तंतुमय पदार्थ अलग हो जाते हैं। अब जब लुगदी बन जाती है तो उसमें जो रेशे होते हैं वो सारे रेशे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। उसमें यहाँ पर देखिए कुछ रंग द्रव्य मिलाए जाते हैं, शेष में क्या मिलाए जाते हैं, रंग द्रव। अब रेशे को अलग कर दिए जाते हैं और वो लुगदी इस जगह आती है और यहाँ पर रंग द्रव्य मिश्रित किए जाते हैं। अब रंग द्रव मिलने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं उसको अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है और उस मिश्रण को रोलर्स में बेली हुई लुगदी आगे जाकर सूखती है। अब यहाँ पर इस मिश्रण को डाला गया है, कहाँ डाला गया, रोलर्स में डाला गया। अब देखिए यहाँ पे कागज बन रहा है, क्या बन रहा है, रोलर्स के नीचे कागज, और धीरे धीरे सूखते हुए जाती है और उसके कागज के रोलर बनाए गए। यहाँ पर कागज को लपेट कर रखा गया, ये कागज के रोलर है। तो आपने देखा इस तरह से कागज बनाया जाता है। तो बच्चों कागज के निर्माण की प्रक्रिया आप सभी लोगों ने देखा, बच्चों कागज कैसे बनता है। लेकिन ये कागज जो तैयार हुआ उसका पहला कारखाना कहाँ था, 1955 में नेपा नगर या मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर उसका कारखाना निर्मित हुआ। सोनगढ़ में भी गुजरात, वहां भी इसका कारखाना बनाया गया है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास बल्लारपुर में कागज के कारखाने हैं। बच्चों इस तरह से कागज से समाचार पत्र बनता है, कापियां बनती है, किताबें बनती है। इसका उपयोग हम प्रतिदिन अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं। अब हमको देखना है धागों के बारे में अध्ययन करना है। धागों के भी दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक धागे और एक कृत्रिम धागे। प्राकृतिक धागे जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध है संसाधन उनसे निर्मित है, रेशम के कीड़े से धागे का निर्माण होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद कृत्रिम धागों, जनसंख्या बढ़ती गई, बच्चा को प्राकृतिक धागों से जो निर्मित धागे हैं वो कम पड़ने लग गया, तब मानव ने जो धागे बनाया उसको हमने कृत्रिम कहा है। कृत्रिम धागे के कई प्रकार हैं, आगे देखिए नायलोन, रेयॉन, डेक्रॉन, केरिलिन, टेरिन, ये जो धागे हैं इनको हम कृत्रिम धागे कहते हैं। कृत्रिम धागों में एक धागा है नायलॉन। नायलॉन जो धागा है ये दो देशों में एक ही साथ इसकी खोज हुई, एक न्यूयॉर्क, आप सभी जानते हैं कहाँ, अमेरिका, न्यूयॉर्क, NY, न्यूयॉर्क का हमने यहाँ क्या रखा है, NY, लंदन, LON, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन, इन दोनों जगह की खोज एक साथ हुई, इसलिए इसका नाम रख दिया नायलॉन। आइए आकृति के माध्यम से देखते हैं। बच्चों प्राकृतिक धागे के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी बताते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े से प्राकृतिक धागा तैयार होता है। इसके कोष से लगभग 500 से 1300 मीटर की लंबाई वाला धागा मिलता है। ऐसा कहा जाता है रेशम का बड़े पैमाने पर उत्पादन सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुआ। तो बच्चों रेशम का जो धागा है यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। अब हम कृत्रिम धागे की आकृति देखते हैं। आइए बच्चों कृत्रिम धागे में हम नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, एक्रिलिक जैसे धागों से
इसका उपयोग आजकल हम कर रहे हैं। ये जो धागे हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, पारदर्शी होते हैं, चमकदार होते हैं और जलारोधी होते हैं, मतलब जल में प्रवेश नहीं कर पाता। इनका उपयोग कपड़े में के लिए भी किया जाता है, मछली पकड़ने का जाल बनाने में भी किया जाता है और मोटी रस्सी इत्यादि बनाने के लिए कृत्रिम धागों का उपयोग किया जाता है। तो जो कृत्रिम धागे हैं, हमने कहा नायलोन, इसकी खोज न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ हुई। आइए देखते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चों, इसका उपयोग इन धागों से जो निर्मित धागे हैं इनका उपयोग देखिए हम किस तरह से किया जाता है। रेयॉन धागे के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ मैं आपको। रुई तथा लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन में घोलकर तैयार किए गए विलयन से यंत्रों की सहायता से धागे प्राप्त किए जाते हैं। इनमें मजबूती और चमक होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन, रे सूर्य की किरणें, रे मतलब किरणें, सूर्य की जो किरणें होती है उसकी तरह से चमकदार होते हैं, इसलिए इनका नाम रेयॉन रेयॉन किया जाता है। इसके अलावा और भी उपयोग है। आप कपड़े देख रहे हैं, पर्दे देख रहे हैं, रस्सियां देख रहे हैं, ये सब मानव निर्मित कृत्रिम धागों से तैयार किए जाते हैं। तो मानव निर्मित कृत्रिम धागों हमने नायलॉन के बारे में देखा, रेयॉन के बारे में देखा और डेक्रॉन भी होता है, टेरिलिन धागा होता है, टेरिन धागा भी होता है। यह सब धागा कैसे बनाया जाता है? खनिज तेल से प्राप्त होने वाले विविध हाइड्रोकार्बनी घटकों की बहुलक की श्रृंखला बनाने में उपयोग होता है। ऐसे बहुलक के घोल को सूक्ष्म छिद्रों वाली एक चालनी पर दबाते हैं। इससे तैयार होने वाले तंतु को ठंडा होने पर एक अखंड और लंबा तंतु बनता है। इन तंतुओं को ऐंठन देखकर धागा बनाया जाता है। भिन्न भिन्न रसायनों के उपयोग से विभिन्न गुणधर्मों वाले धागे बनाए जाते हैं। इनको हम डेक्रॉन, टेरिलिन और टेरिनिन जैसे नाम दिए जाते हैं। आगे देखिए, ये जो कृत्रिम धागे हैं इनमें फायदे भी हैं और नुकसान भी। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आइए देखते हैं। पहले हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उसकी कमियां को देखेंगे। गुण के 8 गुण है इसमें, आप देख रहे हैं 8 पॉइंट्स, ये फायदे हैं कृत्रिम धागे के गुण। लेकिन नुकसान भी है। पहला है गुण क्या है, देखिए ये धागे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन इसका दोष एक पहला क्या देख लीजिए, धागे तो बनते हैं लेकिन ये जल अवरोधक, मतलब पानी के हमारे शरीर के पसीनों को सोख नहीं सकता, इसलिए गर्मी के मौसम में हमें काफी परेशानी होती है। तो बच्चों, कृत्रिम धागे में सबसे बड़ा दोष क्या है, जलरोधक होने के कारण शरीर का पसीना नहीं सूखा जाता। दूसरा पॉइंट धागे का देख लीजिए, ये बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं। पहले हम गुण पूरा देख लेते हैं, इसका दाम भी कम होता है। चौथा पॉइंट देखिए गुण क्या है, लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। जलारोधक होने के कारण गीला होने तथा सड़ने जैसी क्रिया नहीं होती, सड़ता नहीं, क्यों, पानी इसमें प्रवेश नहीं करता है। वर्षा के मौसम में भी जल्दी सूख जाते हैं, कपड़े जल्दी सूखते हैं। उपयोग के लिए हल्के हैं, सुविधाजनक है, अच्छी चमक होने के कारण हमारे पर्सनालिटी को उभारने में सहायता मिलती है। मतलब ये कृत्रिम धागे से बने कपड़े हैं ये चमकदार होते हैं। इन धागों से बने कपड़ों में सिकुड़न नहीं आती। आप देखते हैं कॉटन के कपड़े पहनते हैं तुरंत सिकुड़ जाते हैं, अगर एक बार धो दिया जाए तो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कृत्रिम धागों से बने कपड़ों में सिकुड़न नहीं आती है, यहां तक कि इसमें खरोच भी नहीं पड़ती। अब दोष के बारे में दूसरा पॉइंट देखिए, दोष क्या है, यदि इन धागों से बना कपड़े का अधिक समय तक उपयोग करें तो हमारी त्वचा गीली रहने से चर्म रोग, चमड़े का रोग होने की संभावना रहती है। ये जो कपड़े हैं गर्मी के मौसम में पहनना बहुत कष्टकारक होता है। हम लोग जो कृत्रिम धागे से बने हुए कपड़े हैं गर्मी के मौसम में नहीं पहनते, उस समय हम कौन से कपड़े पहनते हैं, अधिकतर कॉटन के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं। तो ये जो धागे कृत्रिम धागे से बने हुए कपड़े हैं
आग जल्दी पकड़ते हैं। इन धागों से बने कपड़ों में अगर आग लग गई तो ये त्वचा से चिपक जाते हैं और इससे होने वाले घाव बहुत गंभीर होते हैं और इन धागों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है। आइए आज हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला है, हमारे उपयोग में प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित ऐसे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। प्रकृति निर्मित पदार्थ जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक पदार्थ वनस्पति जन्य अथवा प्राणी जन्य हो सकते हैं। इसके बाद रबड़ के बारे में हमने अध्ययन किया, आज कागज का बारे में हमने देखा, कृत्रिम धागों के बारे में देखा। ये सब रबड़, कागज, कृत्रिम धागे, ये सब मानव निर्मित पदार्थ है। मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।